बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कथा श्रवण के पश्चात निकले भक्तों में अपूर्व उत्साह और सबकी अपनी व्यक्ति, सबकी अपनी अपनी कामना, अब सबको पूर्ण होने की का संकल्प और विश्वास, यही विश्वास यही उत्साह तो भक्त जन जाहिर कर रहे हैं। टीजीपी मीडिया आप इस समय यही उत्साह प्रस्तुत कर रही है। यहाँ पर जो हमारे शिव महापुराण की कथा चल रही है वो सच में ऐसा लगता है कि एक जीवन कथा है। हम अपने महाराज, हम अपने गुरु जी के द्वारा जो कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में हर पल हर क्षण अपने शिव, अपने भोले बाबा को उतारने का संकल्प लेते हैं और इसी जयकारे के साथ भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम। गुरुजी बहुत अच्छा बता रहे हैं, हमारे हम तो कर ही रहे हैं पर हमारे नई पीढ़ी, नई जो हमारे बच्चे हैं वो गुरुजी से बहुत अच्छा सीख रहे हैं। एक लोटा जल बहुत अच्छी, हाँ, हर समस्या का हल बता रहे हैं। सबकी अपने अपने व्यक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छत्तीसगढ़ या रायपुर ही की नहीं बात है, पूरे भारत में ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ है ना होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बहुत 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 धन्यवाद, उसके साथ में बसंत अग्रवाल भैया और उनकी टीम को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम वे हमेशा कराते रहे, यही हमारी कामना और इच्छा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम गुढ़ियारी निवासी सभी एक साथ आयोजक जो हमारे हैं बसंत अग्रवाल जी एवं समस्त गुढ़ियारी के कार्यकर्ता का बहुत ही आभार, इवन हम भी इसी में ही है, हम सभी बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। महाराज जी की एक बात जो कि मुझे बराबर बार बार ये लग रहा है कि मैं इस बात पर संकेत करूँ, तो उन्होंने जो सत्य सनातन धर्म को एक तरफा चारों दिशाओं में बोलूँ, समस्त भारत बोलूँ या अखंड विश्व में बोलूँ, उन्होंने सत्य सनातन धर्म का जो बोलबाला किया है इसके लिए तो बम बम भोले को और महाराज जी को बहुत 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 धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तु। सनातन धर्म की मजबूत होती अभिव्यक्ति और आइए आइए यहाँ पे आइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्वास एक शिव जी की पूजा का एक जो विश्वास जगाया है वो बहुत बड़ी बात है। आज देखिए कोई भी शिव मंदिर खाली नहीं रहता, पहले वही शिव मंदिर में कोई एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, आज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लाइन लगी है। जो हमारे सनातन धर्म के प्रति गुरुजी ने एक विश्वास और आस्था जगाई है उसके लिए हम उन्हें सत सत नमन करते हैं और सनातन धर्म की जय हो। विश्वास और आस्था जगाए हैं उनको सत सत नमन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भाटापारा से संध्या शर्मा, मैं यहाँ शिव पुराण सुनने आई हूँ। आज चौथा दिन है, कल पांचवा दिन रहेगा। गुरुजी इतना अच्छा बोल रहे हैं कि बच्चे पर ये बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है और मैं बसंत अग्रवाल प्रसन्न भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुढ़ियारी में ये कार्यक्रम करा के सबको पुण्य का काम करे हैं। और मैं ये टीजीबी न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी जो कि लगातार लगे हुए हैं यहाँ गुढ़ियारी में, आके भाटापारा से आके लगे हुए हैं। अमित गिरधर शर्मा जी, मुकेश जी, ये सब जो लगे हुए हैं, है ना, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल का इतना प्रभाव कि पूरी जनता उस चीज के लिए ललायित हो रही है। शिव मंदिर में लगातार भीड़ बढ़ शिवाय नमः।
भोला सब बाबा एक सहारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। टीजीबीटी इंडिया एवं भाटापारा की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो हमारे गुढ़ियारी में आके इस कार्यक्रम की रूपरेखा कार्यक्रम का जो प्रचारण है सबको फैलाए है, उनके लिए बहुत बहुत अमित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने गिरजा शर्मा मुकेश शर्मा और अमित जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महाराज के साथ साथ महाराज जी के विचार को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो आपने मुहिम चलाया है उसके लिए वाकई में आपका बहुत बहुत आभार। और आगे गिरधर गोपाल शर्मा, अमित शर्मा और अमित प्रकाश शर्मा, मुकेश शर्मा भैया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टीजीबीटी इंडिया मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के रायपुर के पावन धरा पे हमको शिव महापुराण का कथा सुनने को मिला, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना भव्य और इतना विशाल काय प्रोग्राम जो यहाँ पे किया गया, अमृत वचन जो पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा यहाँ पे महादेव के भाग जो महापुराण का कार्यक्रम रखा गया, काफ़ी भव्य कार्यक्रम में सभी सनातन धर्म के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज तक मैं ने अपने जीवन में इतना भव्य इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं देखा। इतने बड़े संख्या में सनातनी धर्म के लोग एकत्रित होकर एक साथ एक स्वर में नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे कि देव लोक में आ गए ऐसा महसूस होता है। भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे भक्तजनों, आपका यही प्यार भगवान के प्रति आपको मोक्ष की ओर, धन धान्य की ओर, निरोग की ओर, हर वो फल की ओर आपको सफल बनाता है और आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का आशीर्वाद मिलता है। आपका यही भगवान के प्रति प्यार, स्नेह, समर्पण जो आप लोगों का मिल रहा है श्री 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 चंदन बसंत अग्रवाल जी के द्वारा, जो इतना भव्य इतना आकर्षित कार्यक्रम, व्यवस्थित कार्यक्रम सुचारू रूप से जो चल पाया, इसमें भगवान भोलेनाथ और वीर बजरंगी भगवान हनुमान जी का विशेष सहयोग, विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो सभी भगवान आप सभी यहाँ आए भक्तजनों की मनोकामना, आपके पूरे परिवार की मनोकामना पूर्ण करें, धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान करें, आप सभी को रोग निवारण करें, यही हम समिति के सभी सदस्य कामना करते हैं। यही भोलेनाथ से आप सभी के लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय नमस्तुभ्यम। भाई टीजीबी का मैं हृदय से आभारी हूँ जिनके द्वारा प्रतिदिन यहाँ पे लाइव वीडियो शूट किया जाता है और अपने चैनल में डाला जाता है। अमित कुमार, गिरधर शर्मा जी, गिरधर शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, अमित कुमार जी, मीडिया डायरेक्टर जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ जिनके द्वारा प्रतिदिन यहाँ पे इस इतने बड़े कार्यक्रम का
वीडियो बनाया जाता है और उनके द्वारा प्रसारित किया जाता है। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। हर हर महादेव। ये हमारे साहू जी हैं, इनके द्वारा सुनिए महादेव के बारे में। कैसे आए हैं आप? धनतेरस से। ये आयोजन देख के कैसे महसूस हो रहा है? क्या प्रथम दिवस से आए हैं या आज ही आए हैं? आज ही आए हैं। तो आज आपको कथा सुनने के पश्चात क्या महसूस हो रहा है, कैसी अभिव्यक्ति है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम भोले देव महादेव पे हम विश्वास करते हैं, उसी बेस से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी हैं अब अपने हिसाब से जो विश्वास करते हैं उसके बेस से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। मैं शिव जी की बखान तो नहीं कर सकती, अपने वर्डों में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हम अटूट विश्वास करते हैं, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।